तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मतलब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ट्यूबबड़ी के ऐप में। तो बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते इस वीडियो में, देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि अभी ये वीडियो एक्स रिकॉर्डर ऐप से रिकॉर्ड हो रही है, मुझे की तरह आप लोग यहाँ पे जानते ही होंगे। और अगर आपने मेरे पिछली 3 वीडियो नहीं देखी है, जो कि बहुत कम व्यूज़ है उस पर, तो सब आई बटन में और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्यूबबड़ी ऐप एक बहुत ही कमाल का ऐप है, जिसके ज़रिए आप अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं कि क्या हाल उनके किस तरीके से चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि इस ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये ऐप बड़ा ही कमाल का, इसलिए मैंने भी ये ऐप यहाँ पे यूज़ करके रखा है। तो फटाफट से यहाँ से जैसे ही ये ऐप ओपन हो जाता है, मैं आपको सारी बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा लाइव सब्सक्राइबर काउंट यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों आप वहाँ पे देख सकते हो वन प्लस का भी ऑप्शन है, यानी कि एक सब्सक्राइबर और यहाँ पे आ चुका है। तो ये 151 यहाँ पे सब्सक्राइबर हम लोग के हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जो मेरी पिछली वीडियो थी एक दिन पहले, खाली 2 ही व्यूज़ है। तो फटाफट से जाके वो वाली भी देखिए और इसको भी शेयर करिए। और इसमें मैंने बहुत ही कमाल की चीज़ बताई है, और जो ये नहीं देखेगा वो अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं पा पाएगा। यहाँ पे 3 व्यूज़। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपने जब भी नोटिस करी होगी कि यहाँ पे जैसे ही ये पहले सबसे पहले ओपन करता है तो फौरन लोडिंग होने लगती है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे एकदम प्रेजेंट व्यूज़ और जो सब्सक्राइबर्स होते हैं सब दिखाते हैं। पहले आपने देखा होगा 150 था, अब एकदम इसे प्लस 1 आके 151 हो गया। नीचे की तरफ आप पहले देख रहे थे 2 था, उसके बाद यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको बड़े बड़े जो नंबर देखने को मिलते हैं आपको, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे व्यूज़ के नंबर है जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे चीज़ें भी सजेस्ट करता है। जैसा कि अब पहले मैं ये पहली वाली वीडियो यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लोग इस पर कोई भी वीडियो पे अपनी टैप करेंगे, जो भी वीडियो आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन और रेड और येलो कलर का यहाँ पे मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो ग्रीन कलर का मार्क होता है उसमें सारी चीज़ें सही होती हैं। जैसा कि पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते होंगे, अपलोड हाई रेस थंबनेल, वो भी सही है। ऐड टेक्स्ट टू योर टाइटल, तो यहाँ पे हम लोग ने टैग्स नहीं डाले हैं तो यहाँ पे वो एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है। और टैग्स टू योर डिस्क्रिप्शन, फिर टाइटल की जो लेंथ है इसका क्या मतलब, यानी जो आपका टाइटल है वो अच्छा खासा बड़ा है। और यहाँ पे जो टैग लेंथ है, ऐड कैप्शन है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अपग्रेडेशन, अगर आप इसका अपग्रेड करते हैं, यहाँ पे 180 या 150 करके कुछ इसका प्राइस है अपग्रेड करने का, तो वो आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड कार्ड्स है, तो ये सब में आपको पहले अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर जाके आप यहाँ पे ये सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जो लास्ट सेकेंड थर्ड वीडियो है, आप ये सब कैसे लगा सकते हैं, ऐड एंड स्क्रीन ऐड कार्ड, ये सब आप कैसे लगा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वही वीडियोस मैं बना चुका हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ये बात ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आप फेसबुक और ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप मेरी दूसरी वीडियो देखिए, हाउ टू ऐड आई कार्ड ऑन यूट्यूब वीडियो, जैसा कि आपने देखा कि आप कार्ड कैसे लगा सकते हैं। अगर आप ट्यूबबड़ी की हेल्प से यहाँ पे कार्ड लगाएंगे तो वो आपसे कुछ फीस चार्जेस करेगा, लेकिन मैंने जो ट्रिक बताई वो एकदम फ्री और एकदम सही सलामत बढ़िया सी है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा फीचर आ जाता है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है, जो कि होता है यहाँ पे कमेंट्स का। तो जैसे दूसरा सेक्शन में हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि जितने भी यहाँ पे कमेंट्स आए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमेंट आए हुए हैं, सब आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन बड़ा ही कमाल का है, जैसे कि आप यहाँ पे सेटिंग्स पे अगर टैप करते हो, तो टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लूड चैनल इन रिप्लाई। अगर आपको किसी को रिप्लाई करना है तो वो चैनल के साथ रिप्लाई जाता है, या डिसेबल अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे माइलस्टोन का। माइलस्टोन क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि योर चैनल हैज़ पास्ड 10,000 व्यूज़, उसके बाद यहाँ पे 150 सब्सक्राइबर्स, और नीचे की तरफ अपकमिंग माइलस्टोन भी आता है। तो ये एक चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आप यहाँ पे वीडियोस बनाइए और अच्छे अच्छे माइलस्टोन भी यहाँ पे पा जाइए। तो ये वाली वीडियो जैसी अपलोड होगी, मेरा यहाँ पे 70 अपलोड्स का माइलस्टोन भी पूरा होने वाला है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूज़ का ऑप्शन आता है। जितनी भी नई न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रिगार्डिंग यहाँ पे यूट्यूब और भी बहुत ही ब्रांड टेक्नोलॉजी की तरफ से, तो ये सब आपको गेम देखने को मिल जाएगी। सारी जो टेक्नोलॉजी या जो भी कहें
सिर्फ सीरियस मैटर को छोड़ के यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। और जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो होता है टैग एक्सप्लोरर, टॉपिक प्लानर, कैनड रिस्पॉन्स, टैग लिस्ट, कम्युनिकेशन, फीडबैक, साइंग आउट, अपग्रेड और आर चैनल, यानी कि ट्यूबबडी का चैनल भी है। अगर आपको नहीं पता है ट्यूबबडी का चैनल है तो वो आप वहां से जाके देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टैग इस ऐप की भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं अपग्रेड पे जाता हूँ, जो मैं अपग्रेड की आपसे बात कर रहा था इतने देर से, तो जैसे यहाँ पे अगर अपग्रेड पे हम लोग जाते हैं तो 190 रुपीज पर मंथ यहाँ पे चार्जेस लेने वाला है, जिसमें से आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं जो ऑल रिजल्ट यहाँ पे टैग एक्सप्लोरर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देने को मिल जाता है। उससे अच्छा आप यहाँ पे खुद ही कर सकते हैं जो करना है, तो पैसे देने की क्या ज़रूरत है। मैं तो अभी यहाँ पे सिंपल वाला यूज़ करता हूँ, यूज़ भी करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगर टैग एक्सप्लोरर की, तो ये क्या होता है। अगर हम लोग इस पर टैप करते हैं, सीधा टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी टाइटल से आपने यहाँ पे वीडियो बनाई है वो टाइटल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाउ टू ऐड आई कार्ड ऑन यूट्यूब वीडियो, तो जैसे हम लोग इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ही लो है, यानी कि इसको कोई भी ज़्यादातर सर्च नहीं करता है। और जो कंपटीशन है वो भी यहाँ पे लो है, तो यानी इसको आपको या जो कंपटीशन लेवल होता है वो चीज़ आपको बेसिकली देखनी होती है कि कंपटीशन जिसका ज़्यादा होगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपटीशन लिख कर आ रहा है वेरी लो। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल में देखा जाए तो फेयर है, यानी ठीक ठाक है, आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको टैग एक्सप्लोर करके देता है कि आप अपनी वीडियोज में टैग लगाइए, ये वाले टैग लगाइए तो ज़्यादातर वीडियोज आपके व्यूज आएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि अगर इसको आप यहाँ पे टिक करिए, टिक करने के बाद कॉपी टैग्स नीचे आपको ऑप्शन देखने मिलेगा और यहाँ पे आप टैग लिस्ट में या कॉपी जहाँ पे भी आपको कॉपी करना है आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखा देता हूँ, टॉपिक प्लानर। अब टॉपिक प्लानर यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसे कि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं भी ऐसी जगह है यहाँ पे आपको याद आ जाए कि मैं जैसे कि ये कंटेंट अच्छा है, ये इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और मान लियो कि आप मान लीजिए कि वो चीज़ आप भूल जाते हैं बनाते बनाते, तो आप यहाँ पे टाइटल और उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे रख के सेव कर सकते हैं, ताकि आप जो बाद में आके वीडियो टॉपिक जो था वो उसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो कैनड रिस्पॉन्स है, अभी तक ये किसी को समझ में नहीं आया होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आपके हर वीडियोज में कुछ ना कुछ तो कमेंट आते ही होंगे, तो उनको अगर रिस्पॉन्स करने के लिए किसी ने अच्छा मैसेज किया, किसी ने गंदा मैसेज किया, तो अगर आप उनको रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उन्हीं को रिस्पॉन्स होगा। जैसे हम लोग इस पर टैप करते हैं, टैप करने के बाद यू हैवंट एडेड एनी कैनड रिस्पॉन्स हियर, तो यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नेम डालिए और यहाँ पे रिस्पॉन्स डाल दीजिए और सेव करके बाद में वहां से आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसा कि ये सेकंड वाला ऑप्शन है, जैसा कि हम लोग का यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है कमेंट्स का, तो कमेंट का ऑप्शन में आप यहाँ पे जाके कैनड रिस्पॉन्स के उस पर जाके आप ऐड कर सकते हैं। अब जो भी है यहाँ पे जिसने भी जिसको भी आपको रिप्लाई करना, आप यहाँ से डायरेक्ट रिप्लाई दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वो कंटेंट आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और ऊपर सबसे पहला कैनड रिस्पॉन्स दे भी सकते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और बात करते हैं लास्ट जो है टैग लिस्ट। टैग लिस्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने टैग्स को कॉपी करके ऐड कर सकते हैं अपनी टैग लिस्ट में, तो वहाँ पे सारे टैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं कि ये टैग्स आपने कॉपी किए हैं, ये है, और आप ऐसे ही कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो रेड ब्लू रेड ग्रीन और येलो कलर का जो मार्क आता है, जैसे कि मेरे ज़्यादातर वीडियोस में यहाँ पे ग्रीन मार्क है, लेकिन कुछ कुछ वीडियो हैं जिसमें रेड और येलो मार्क भी है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि हाउ टू क्लिक फोटो इन पोर्ट्रेट मोड इन रेडमी 3S प्राइम, तो यहाँ पे जैसे हम लोग ओपन करते हैं इसको, ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी कमेंट हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे जो ट्यूब बड़ी है वो बस ये दिक्कत रहती है ट्यूब बड़ी की, यहाँ पे ये बस थोड़ा सा जो है नेटवर्क की वजह से नहीं चल पाता है, नेटवर्क इसको अच्छा चाहिए होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे ऊपर वाला यहाँ पे जो ग्रीन है, यानी कि एकदम परफेक्ट वो चीज़ है, जैसे कि अबाउट 1 कमेंट और लाइक पर जो भी है यहाँ पे, लेकिन जो दूसरा वाला है वो है लाइक अ लिटिल मोर देन डिसलाइक, थोड़ा सा ज़्यादा जो डिसलाइक है वो
उसके हिसाब से सही नहीं है, मतलब हम लोग के हिसाब से तो सही है भाई, 16 लाइक सही है और डिसलाइक 6 है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके हिसाब से नहीं है। अगर आप इसके हिसाब से चलते हैं तो हो सकता हो थोड़ा आपका जो चैनल है वो फास्ट ग्रो करने लगे। और भी यहाँ पे जो रेड वाली वीडियो है वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अबाउट 1 कमेंट और पर लाइक, लाइक पर 54, तो इसमें कमेंट बहुत कम है। आप यहाँ पे डिसलाइक भी देख सकते हैं ज़्यादा है, तो इस यहाँ पे ये चीज़ इसने सही बोली है कि हाई कंपेयर टू लाइक्स, यानी कि यहाँ पे लाइक्स कम है और जो डिसलाइक्स हैं वो ज़्यादा हैं। कुछ कुछ लोगों को भाई अपनी अपनी चीज़ें अलग अलग पसंद आती हैं, जो जिसको नहीं आती है कोई बात नहीं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहली वाली लाइन है वो है कमेंट्स की, यानी कि जितने आपके यहाँ पे लाइक आए हैं उतने आपके यहाँ पे कमेंट्स नहीं है, तो वो चीज़ भी आपको बराबर होनी चाहिए, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्यूबडी में कर सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।